अरे हर टाइम फोन में ही लगा रहे, कहाँ आया फोन में? जब चाय लिए दो गिलास चाय पीते रहेंगे बैठे बैठे। ला पैसा दे ले कहूँ चा। पैसा भी हम ही देंगे तो ले लिया जा। अरे कहाँ लाया यार, चाय है नमक का पानी है, कते कड़वी लग रही है। भाई मैं भी तो पी रहा हूँ, मेरी तो बिल्कुल ठीक है। जा मोको दूसरी चाय लेकर ले, तू मेरी चाय पी ले। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम। अरे गौरव है बारह को ये। हाँ भाई बता। अरे मेरी गैल दिल्ली चले यार, घर को कुछ सामान लाना हो। ठीक है भाई दो मिनट रुक, चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत खुश लग रहा हूँ। हाँ भाई खुशी की तो बात ही है, मुझे अखिलेश जैसा इतना अच्छा दोस्त जो मिला है, और मेरा बहुत ख्याल भी रखता है वो। अरे भाई गौरव तू पढ़ा लिखा तो है नहीं, तेरी जॉब भी नहीं लगेगी, इससे तो तू एक काम कर, अपने फ्रेंड अखिलेश से 10-15 हज़ार रुपये उधार ले ली, उससे एक दुकान खोल ली, जब तेरा काम चल जाएगा तो उसके पैसे वापसी कर दे। यार ना भाई 10-15 हज़ार रुपये यार मैं मांगूंगा उससे, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, और वैसे भी इतने पैसे वो कहाँ से देगा मुझे। अरे यार अगले तो तेरा दोस्त है, वो तो बहुत पैसा और कापत तो दे दे, वो एक बार आजमा के देख ले वा। अरे भाई कह तो सही रहो यार, चल मैं जाऊँ उसके पास, देखता हूँ उससे मांग के, चल मैं चलता हूँ, ठीक है मिलूंगा बाद में। ठीक है भाई। यार तूने उस गौरव का कैसे दोस्त बना लिया, तेरी हैसियत से देखा जाए तो तेरा कहीं से दोस्त नहीं लगता। दोस्त? अबे क्या उसे घंटा दोस्त बनाऊंगा मैं, अबे दोस्ती तो नाम की है, वो नौकर है और नौकरों की तरह रहता है मेरे पास। ये हुई ना बात। वाह मेरे भाई सही कहा तूने, मेरी औकात तेरे एक नौकर की बराबर है, पर मैंने तो तुझे अपना दोस्त माना और दोस्त होने का फर्ज भी निभाया, लेकिन तूने तो अपनी रईसाई का पुली बांध दिए। अरे कम बोल कम, खवाई होगो खाया ना तेरा आज तक, कर रहा हूँ यहाँ बकवास। सही कह रहा है भाई, गलती तेरी नहीं है, कसूर मेरा है जो मैंने तुझे अपने भाई से बढ़कर माना। भाई ये इतना भौंक रहा है, इसे भगा दे यहाँ से। अरे भाई चारों निवाली हो तो चलो जा, वरना अच्छा ना हो बे। जा रहा हूँ भाई, मैं आया तो यहाँ किसी और मकसद से ही था, पर तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। लेकिन एक बात याद रखना, ये पैसा और वक्त कभी किसी के नहीं हुए। मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ, बहुत मेहनत करते हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरव है साहब, क्या करें पेट के लिए करना पड़ता है, अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तुझसे एक बात कहूँ? हाँ साहब बोलिए। अगर तेरी इच्छा हो तो तू मेरे पास काम कर सकता है, कम मेहनत और पैसा ज्यादा। ऐसा कौन सा काम है साहब? अच्छा ये ले मेरा कार्ड, यहाँ का काम खत्म करके शाम को मेरे ऑफिस आ जाना, ठीक है? Thank you.
आ गए तुम, आओ बैठो। अच्छा गौरव, ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो तुम? साहब मैं बस 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा तो उससे आगे क्यों नहीं पढ़े तुम? मम्मी पापा को जाने के बाद सारा घर का काम मेरे सिर पर आ गया, और उसके बाद कुछ गुंडों ने हमारा घर भी छीन लिया, फिर मैं रोड पर आ गया। पर उसके बाद एक दोस्त मेरा सहारा बना, लेकिन उसने भी मुझे लात मारकर भगा दिया। चल ठीक है, समय के साथ सब बात बदल जाती है, लेकिन मैं तुझे अपनी कंपनी की लेबर संभालने का काम दूंगा, क्या तू कर पाएगा उस काम को? हाँ साहब, ये काम तो मैं और भी अच्छे से कर लूंगा। फिर ठीक है, आ चल मेरे साथ। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए, बल्ले आ पैर पिछे ना पुटिए, पहला पहला किस्मत न गिरे कर दी हुंदी आ। हो थाणिया ते जेमिया टकाने जट दे, तेरी हाइट नालो लम्मिया रिकॉर्ड बोल दे। ये रहा नक्शा और ये चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम। यहाँ जितनी भी लेबर काम कर रही है आज से सब तेरे अंडर रहेगी, पूरी ईमानदारी से तुझे वफादारी से काम करना। ठीक है साहब, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है मैं चल रहा हूँ, तो इस काम में खत्म करवा के और शाम को घर आ जाइए वापस। ठीक है साहब। ठीक बैठा हुआ था मैं भैया बिंदिशा की नाव में, और खींची चली जा रही थी गहरी नदी बहाव में, धरती नहीं थी पाव में, पूरी लाइफ लगी थी दाव में, चिल्ला रहा था बस लाउड में खोया। धुंधली थी राहें और रंग जाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर, भेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर, जिंदगी से हारा हूं मैं सपने, बस थोड़ा और कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू। अरे साहब जी, अरे वाह, इतना सारा काम तूने इतने कम समय में खत्म करवा दिया, वाह मुझे खुशी हुई तेरी ये मेहनत और लगन देखकर। अच्छा तू जिस बाइक से रोज साइड पे आता है उस बाइक की चाबी मुझे दे। चाबी? पर क्यों साहब? अरे देवी यार, ये लो। ये ले गाड़ी की चाबी, आज से तू इस गाड़ी से साइड पे आएगा और आज से तेरी तनख्वाह भी डबल। अरे साहब जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरा कितना ख्याल भी रखते हो, मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम करे होंगे जो मुझे आप जैसे मालिक मिले। अरे पागल, ये मेरी तरफ से कोई गिफ्ट नहीं है, ये तो तेरी मेहनत लगन ईमानदारी का एक छोटा सा इनाम है। अरे धन्यवाद साहब जी, पर अब मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उससे फिर से दोस्ती कर लूंगा, क्योंकि मैं अब उसके काबिल हो गया हूँ। अरे तू अब भी उसके पास जाना चाहता है जिसने तेरे बुरे वक्त में तुझे इतना जलील करके तुझे भगा दिया था? हाँ साहब जी, क्योंकि मेरे खून में वफादारी है, और वैसे भी मेरा वक्त ही तो बदला है, मैं तो आज भी वही हूँ। अरे वाह, दोस्ती निभाना तो कोई तुझसे सीखे। चल तू इस गाड़ी को लेकर जा, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। गल्ला नाल नहीं उसारना है करके बखोना मैं, तक्के नाल नहीं। हेलो हाँ भाई, जयवीर सिंह कहाँ पे है? एक काम कर, दूसरी गाड़ी लेके आ जा साइड पे। हाँ मुझे लेके जा। ओके।
भाई मुझे अखिलेश से मिलना है, क्या आप अखिलेश को बाहर बुला सकते हो? कौन अखिलेश भाई, मैं किसी अखिलेश वखिलेश को नहीं जानता। ये घर तो बहुत पहले बिक चुका है और अब इस घर के मालिक महेश यादव जी। घर बिक गया तो अखिलेश कहाँ है फिर? जोनू, अरे गोरो तू? हाँ भाई मैं, पर यार मैं अखिलेश के घर गया था तो वहाँ एक आदमी बैठा था और वो तो कुछ और ही बता रहा था कि अखिलेश का घर बिक गया। हाँ भाई, अखिलेश कहाँ है भाई? अखिलेश के बारे में तू ना ही पूछे तो अच्छा है। क्या मतलब भाई? मतलब मैं समझाता हूँ, तेरे जाने के बाद कुछ दिन तक सब ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और बिजनेस ठप हो गया। बिजनेस में घाटा आने की वजह से उसने अपना घर गिरवी रख दिया। लेकिन अब अखिलेश है कहाँ, मुझे उसके पास लेकर चल। ठीक है, चल मेरे साथ। चीज सारी पाजा दुनिया में यार कोन्या पावे रे, चीज सारी पाजा दुनिया में। भाई तूने क्या हाल बना लिया अपना? कौन अखिलेश? मैं किसी अखिलेश को नहीं जानता, और कौन हो तुम जो मुझे अखिलेश बता रहे हो? मैं तेरे बचपन का दोस्त गौरव हूँ, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? अरे वहाँ जिसको तूने अपने घर गिरवी रखा है। पर घर को छुटाने के लिए तो 1,00,000 रुपए चाहिए और मेरे पे तो 10,000 रुपए भी नहीं है। अरे तू पैसे की चिंता मत कर, बस मेरे साथ चल। भाई हमें आपके मकान मालिक से मिलना है, जरा आप उन्हें बुला दीजिए। एक मिनट रुको, अभी मैं बुला के लाता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, क्या बात है, कैसे खड़े हो? भाई ये घर इन्होंने गिरवी रखा था, पर अब ये घर हम वापस लेना चाहते हैं। ये घर मेरे पास 1,00,000 रुपए में गिरवी रखा है, मेरे पैसे दे दो और अपना घर ले लो। ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आपके पैसे लाकर देता हूँ। ये पकड़ो भाई 11,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इसमें फालतू है, लेकिन ये घर जल्दी से खाली करवा दो। ठीक है, तो मेरे 2 दिन का टाइम दो, मैं खाली करा दूंगा। ठीक। गलती तेरी नहीं है, कसूर मेरा है जो मैंने तुझे अपने भाई से बढ़कर माना। भाई इतना भौंक रहा है, इसे भगा दे यहां से। यार भाईचारा निवाली हो तो चलो जा, वरना अच्छा ना हो भाई। जा रहा हूँ भाई, मैं आया तो यहाँ किसी और मकसद से ही था, पर तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। लेकिन एक बात याद रखना, ये पैसा और वक्त कभी किसी के नहीं हुए। अरे कहाँ खो गया भाई? मुझे माफ कर दे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, पर तूने मेरी कोई हुई जिंदगी मुझे वापस लौटा दी, धन्यवाद भाई। अरे कोई बात नहीं, ये तो मैंने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। चल मेरे साथ, 2 दिन बाद घर प्रवेश करना है। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। हाय गाइस, राम राम, नमस्कार। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट जरूर करें, ताकि हमको पता लग सके कि आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं और हमारी क्या क्या कमी रही, उन बातों को लिख के जरूर भेजें। और ये हमारे भाई है इंटरनेशनल सिंगर कालू यादव,
तो ये भाई बहुत अच्छी रागनी गाते हैं और लाइव प्रोग्राम भी करते हैं, तो अगर आपका कोई फंक्शन है उसमें आप करवाना